खबर यूपी के बलिया में एक पीपा पुल तेज हवा के साथ आंधी और बारिश में बह रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पुल के नदी में बहने का वीडियो सिकंदरपुर तहसील क्षेत्र के खरीद दरोली घाट का है, जो यूपी और बिहार को जोड़ता है, जो पिछले दिनों आए अचानक तेज हवा के साथ बारिश होने की वजह से टूटकर नदी के बीच बहने लगा, जिसकी लाइव तस्वीरें किसी ने कैमरे में कैद कर वायरल कर दी। इस पुल का रखरखाव करने वाले प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग की माने तो यह पुल 15 जून तक बंधा रहता है, इसके बाद इसे खोल दिया जाता है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों तक आए यास तूफान को लेकर सावधानी के लिए इस पुल का रास्ता बंद कर दिया गया और दरौली की तरफ से पुल का पीपा हम लोग खोल रहे थे, तभी अचानक आंधी आई जिससे पीपा पुल बह गया, जिसे एंकर से उसे रोक दिया गया। बलिया से ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम मिट्टी न्यूज। जी, आपका एक प्रश्न। मेरा नाम सुशील जसवाल, मैं सहायक अभियंता क्रांति फंड के दरौली। जी, एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, दरौली घाट का पीपा पुल है जो तेज हवा और बारिश में बह रहा है, तो ये क्या मामला है और कौन सा पुल है और कैसे ये बह रहा ये है? ये हमारा खरीद दरौली पीपा पुल है। खरीद दरौली सिकंदरपुर में पीपा पुल बांधा जाता है, जो कि 15 जून तक रहता है, बांधा जाता है, 15 जून के बाद खोला जाता है। लेकिन अभी 2-3 तूफानें आई, उसके वजह से हम लोग सावधानी के उससे हम लोग पहले रास्ता बंद किया, उसके बाद हम लोगों ने खरीद की तरफ का दरौली की तरफ का पीपा हमने खोल दिया। और खरीद की तरफ का पीपा अभी हम खोल रहे थे, तब तक अचानक उस दिन आंधी आई तो पीपा थोड़ा आगे बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा और आगे जाके लगभग 1 किलोमीटर पर जाके हमारे एंकर से हम लोगों ने फंसा लिया उसको, हमने रोक दिया उसको। और वहाँ से अब पीपा खोल खोल के वापस जहाँ हम बांध किए हैं, खोलने के बाद वहाँ हम बांध रहे हैं। तो अभी जो ये पीपा पुल बह रहा है, तो अभी जो जितने भी पुले हैं वहाँ पे सभी मौजूद हैं या कहीं दूसरी जगह बह सब, सब मौजूद है, सब सारा सामान हमारा मौजूद है जी। तो अभी सारे पीपे सब कुछ हमारा मौजूद है। तो पुल पे आवागमन जारी है या नहीं? पुल को बंद, हम लोगों ने पुल 10 दिन पहले ही बंद कर दिया था। लगभग 25-26 के टाइम आंधी तूफान आया था, तभी हमें रास्ता बंद कर दिया जी। ये क्या है, ये कहाँ का मामला है, किस क्षेत्र? ये खरीद दरौली सिकंदर जी। तेज हवा और बारिश की वजह से हाँ। इसी में किसी के हताहत